टॉपिक चल रहा था समरूपता, और समरूपता के अंदर हम प्रश्नावली 11.4 पढ़ रहे थे। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो। त्रिभुज हमारे पास कौन सा है? एबीसी। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। कौन सा कोण समकोण है इसका? बी। ये कोण बी तो क्या है? 90 डिग्री दे रखा है। तो नाम दे दो इसको ए बी सी। ए बी सी क्या है? कि समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण हो एवं बी डी कर्ण ए सी पर लंब हो। कर्ण यही तो है ना। कौन सा लंब है? बी डी लंब। ये बी डी लंब किसके ऊपर है? ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी। इन दोनों त्रिभुजों को क्या बताना है? समरूप। ये लंब कहां से डाला जा रहा है? समकोण वाले शीर्ष से। तो हमने बोधायन परमे के अंदर एक पंक्ति पढ़ी थी कि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से समभुजा के ऊपर लंब डाला जाए तो लंब समभुजा क्या करते हैं? तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और दोनों आपस में भी क्या होते हैं? समरूप। तो उस पंक्ति से ये दोनों त्रिभुज क्या बन गए? समरूप। तो या तो उस पंक्ति से कर लेना, और अगर पंक्ति से नहीं करते हैं तो दोनों त्रिभुजों को क्या बता दो? समरूप। एक बार तो बड़े वाला समकोण त्रिभुज लेंगे और एक छोटे वाला, फिर बड़े वाला और एक ये छोटे वाला। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री एवं बी डी लंब है किसके ऊपर? एसी। यही तो दे रखा है बी डी लंब एसी। सिद्ध करना है उसमें क्या लिखेंगे? सिद्ध करना त्रिभुज ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी। रचना की कोई आवश्यकता होगी नहीं। क्या लिखेंगे? ऊपर बोधायन परमे में आपको एक पंक्ति बताई थी कि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से समभुजा के ऊपर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और परस्पर भी क्या होते हैं? समरूप। या तो इस पंक्ति से सीधा इनको क्या बता दो? समरूप। या फिर त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी वह त्रिभुज बड़े वाले समकोण त्रिभुज का प्रारंभ कहां से किया है? ए से। तो छोटे वाले का भी कहां से करेंगे? ए से। तो ए बी सी वह त्रिभुज ए डी बी में, क्योंकि यहां भी समकोण मध्य में लिया है तो यहां भी समकोण है मध्य में लेंगे ए डी बी में। बताओ तीन कारण। एक तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब, लंबी तो है ना। दूसरा कारण कौन सा कोण उभयनिष्ठ है दोनों में? बड़े वाले में भी ए है और छोटे वाले में भी ए है। तो क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, कोण 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 समरूपता से
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। कर्म कर, कर्म देखो बी है डी के बराबर, बी है डी के बराबर, ए है ए के बराबर, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज। अब की बार बड़े वाले का अंत कहां हो रहे हैं, सी पर, तो छोटे वाले का अंत भी कहां करेंगे, सी पर। समकोण ले रहे हैं मध्य में, तो इसका समकोण भी कहां लेंगे, मध्य में, तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी। इसको दे देना समीकरण एक, बी डी सी में बताओ दो कारण, एक तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, बी डी सी कारण क्या लिखेंगे, शीर्ष लंब। दूसरे वाला कारण कौन सा कोण बहिष्ठ है दोनों में, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण, कौन सी बराबर कौन सी उभयनिष्ठ कोण, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी डी सी के। इसको देंगे समीकरण दो, ए बी सी है ए डी बी के बराबर, ए बी सी समरूप है बी डी सी के बराबर, तो समीकरण दो में किसका प्रयोग करते हैं, एक का इस ए बी सी के लिए क्या रखते हैं, समीकरण दो में एक का प्रयोग करने पर, समीकरण दो में एक का प्रयोग करने पर, तो त्रिभुज ए बी सी के क्या लिखेंगे, यहां से ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी। देखते हैं आगे वाला किस्सा, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर, किसके ऊपर वर्ग, तो ये वर्ग है हमारे पास ए बी सी डी, क्या है वर्ग, ठीक है। एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, ये वर्ग है इसकी भुजा AB के ऊपर कौन सा समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ABE, कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा। अब एक समबाहु त्रिभुज कहां बनाना है, विकर्ण पर, कौन सा विकर्ण बना लिया, AC, एसी विकर्ण के ऊपर कौन सा समबाहु त्रिभुज बना ले, मान लेते हैं कौन सा है एसी, कौन सा है एसीएफ है, कौन सा है कौन सा है एसीएफ। ये ए बी जो समबाहु त्रिभुज बना हुआ है ये तो भुजा पे बना हुआ है, और ये ए सी एफ बना हुआ है किसके ऊपर बना हुआ है, विकर्ण पर। किताब वाला क्या बोल रहा है, भुजा पर बनाए गए संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, वो विकर्ण वाले संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा। आधा कौन होगा, भुजा वाला, कौन सा भुजा वाला, आधा तो बताना है भुजा वाला और पूरा बताना है विकर्ण।
करने वाला, ठीक है। तो दिया उसने क्या लिखेंगे बताओ, किताब में क्या दे रखा है, वर्ग दिया है उसमें क्या लिखेंगे, वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर समबाहु त्रिभुज ए बी ई व विकर्ण एसी पर, एसी पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए सी एफ बनाए, सिद्ध कर। जो भुजा पे बना हुआ समबाहु त्रिभुज है वो विकर्ण वाले का क्या होगा, आधा। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल किसका आधा होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज विकर्ण वाला कौन सा है, ए सी एफ का क्षेत्रफल। देखो ये भुजा वाला आधा है तभी तो इसको विकर्ण वाले को एक बटा दो से गुणा किया है ना, ठीक है। रचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बताओ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, रूट तीन बटा चार ए स्क्वायर। ए क्या है, भुजा, ए क्या है, भुजा। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये ए बी ए है, तो ये भी बी सी बी ए होगा, सी डी बी ए होगा, और ये भी क्या होगा, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण। तो बताओ एबीसी कौन सा त्रिभुज है, तो बताओ भुजा पे जो समबाहु त्रिभुज बना हुआ उसकी भुजा तो क्या हो जाएगी, ए। लेकिन विकर्ण वाले की ज्ञात है क्या, नहीं। इसके लिए कौन सा समकोण ध्रुव लेना पड़ेगा, ए बी सी में बोधायन परमेय से क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए सी, और ए सी क्या होगी, भुजा होगी, क्या होगी, भुजा। तो लिखेंगे माना वर्ग की भुजा बराबर क्या है, भुजा क्या है बताओ, ए, क्या है, ए। अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बोधायन परमेश, बोधायन परमेसी समकोण के सामने ऊर्जा क्या होती है, कर्ण ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी वाला मान क्या है, ए है, ए का वर्ग क्या बन गया, ए स्क्वायर। बी सी वाला मान भी क्या है, ए है, ए का वर्ग क्या बन गया, ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर हो गया दो ए स्क्वायर। तो ए सी का मान याद करेंगे, पूरे का क्या याद करना पड़ेगा, वर्ग। तो ए सी बराबर दो का वर्ग मूल रूट दो और ए स्क्वायर का ए। तो बताओ जो समभुजा के ऊपर समबाहु त्रिभुज बना हुआ उसकी भुजा तो है ए, और जो विकर्ण में बना हुआ उसकी भुजा कितनी है बताओ, रूट टू, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटा समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? रूट तीन बटा चार ए स्क्वायर। ए क्या है? भुजा। तो भुजा वाला मान ले है तो इसके लिए क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बटा इसका भी सूत्र क्या होगा? रूट तीन बटा चार ए स्क्वायर। बताओ विकर्ण वाले के लिए भुजा ए कितनी है? कितनी है? रूट टू ए। कितनी है? तो रूट टू ए का क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर। अभी बात समझ, इसकी भुजा तो ए है तो ए का वर्ग कर दिया, ठीक है। रूट तीन बटा चार से रूट तीन बटा चार क्या हो गया? कैंसिल। क्या शेष रहा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर ए का वर्ग ए स्क्वायर बटा रूट दो का वर्ग दो और ए का वर्ग ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। क्या शेष रहा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर के आगे क्या शेष रहा है? बटा दो। वज्र गुणा करेंगे या हमें तो ये समबाहु त्रिभुज ए सी एफ यहाँ किसमें एक बटा दो के गुणा में, यहाँ किसमें भाग में, तो क्या शेष रहेगा? इधर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो इंटू ये भाग में किसमें आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना। आप देखते हैं आगे वाली पद में यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समविभाजन करे, समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा, तो वह समद्विभाजक
द्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। तो दिया है उसमें क्या लिखेंगे, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एकांक त्रिकोण का, किसी त्रिभुज यानी मान लेते हैं हमारे पास त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बना लें ए बी सी। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समविभाजन करे, एक रेखा है किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण का समविभाजन यानी अंदर वाले कोण का क्या कर रही है, समविभाजन। तो ये आंतरिक कोण ए ले लिया, इसकी समद्विभाजन करने वाली रेखा कौन सी बना ली हमने, एडी। कौन सी बना ली, ये एडी इस ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है यानी समान दो भाग बना रही है। तो मान लेते हैं ये तो है कोण एक और ये है कोण दो, तो बताओ कोण एक बराबर कोण दो है कि नहीं रेखा एडी से, ठीक है। तो वह समद्विभाजक रेखा, कौन सी समद्विभाजक रेखा, एडी, उस कोण की समभुजा, उस कोण की समभुजा कौन सी है, बीसी। त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में, तो समभुजा के मध्य क्या बना, अनुपात बीडी बटा सीडी तो बना समभुज, यानी उस कोण की समभुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाई के अनुपात में क्या करें, विभाजित। तो समभुजा के मध्य अनुपात क्या बना, BD बटा CD। अन्य दो भुजा का अनुपात क्या होगा, AB बटा AC। AB बटा ये तो अन्य दो भुजा, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें रचना क्या करेंगे, हम AD के समांतर एक रेखा CE खींची, AD के समांतर कौन सी रेखा खींची, सी। एडी के समांतर कौन सी रेखा खींची बताओ, एडी के समांतर कौन सी रेखा खींची, सी, जो बीए को आगे बढ़ाने पे कहां मिलती है, एडी के समांतर एक रेखा खींची जो बीए को आगे बढ़ाने पे ई पे मिलती है, ठीक है। ये हो गई रचना, बताओ रचना क्या की, एडी के समांतर एक रेखा सी खींची जो बीए को आगे बढ़ाने पे ई पर मिलती है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, बीडी बटा सीडी किसके बराबर होगा, बीए बटा एसी, बीए बटा एसी, ये तो होगा ना, या एबी बटा एसी की। तो पहले दिया है वो लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में रेखा एडी आंतरिक कोण ए को क्या कर रही है, ए को समद्विभाजित करती है,
क्या करती हैं? समय विभाजित करती हैं। यही तो दे रखा है। सिद्ध करना है उसमें क्या लिखेंगे? तो ये रेखा है समभुजा के मध्य जो अनुपात बनेगा उस अनुपात का मान किसके बराबर? शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो BD बटा CD किसके बराबर बताना है? AB बटा AC के, AB बटा AC। रचना क्या की है बताओ? AD के समांतर एक रेखा, AD के समांतर एक रेखा CE खींची जो BA को बढ़ाने पर E पर मिलती है एवं चित्रानुसार क्या करेंगे? चित्रानुसार कोणांकन किया। क्या किया? कोणांकन किया। ये कोण एक दिया, इसको दो दिया, इस वाले को तीन दे दो और इस वाले को क्या दे दो? चार। ठीक है, अब लिखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये AD कौन से कोण की समद्विभाजक है? एक ही। अगर AD कोण एक की समद्विभाजक है तो बताओ कोण एक किसके बराबर होगा? AD कोण एक की समद्विभाजक है। इसलिए कोण एक बराबर कोण है इसे देंगे समीकरण एक। ठीक है, AD किसके समांतर है? AD किसके समांतर है? CE के। अगर AD CE के समांतर है तो बताओ कोण एक और कोण तीन में कोई संबंध है क्या? ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये बन गई तिरेक रेखा, तो ये दोनों कौन से कोण है? संगत कोण। एवं AD समांतर CE, इसलिए कोण एक बराबर कोण तीन, कोण एक बराबर कोण तीन कौन से कोण है? संगत कोण। एवं ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये जेड वाली आकृति बन रही है कि नहीं? कोण दो और कोण चार कौन से कोण है? एकांतर कोण। कोण दो बराबर कोण चार कौन से कोण है? एकांतर कोण। एक दो के बराबर है, कोण एक तीन के बराबर है, तो कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन होगा कि नहीं? और कोण दो है वो चार के बराबर है, तो ये चारों कोण आपस में क्या बन गए? बराबर। समीकरण एक दो व तीन से कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन बराबर कोण है, कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन बराबर कोण है चार। अब ये दोनों भुजाएं क्या है बताओ? समांतर है ना? ये दोनों भुजाएं समांतर कौन से त्रिभुज में है? BCE में।
तो आधारभूत समानुपाती परिमेय अनुपात क्या होगा, बी डी बटा सी डी किसके बराबर होगा, ए बी बटा बी डी बटा सी डी किसके बराबर होगा, बी ए बटा ए के। अब त्रिभुज बी सी ई में ए डी समांतर सी ई, ए डी समांतर सी ई, इसलिए आधारभूत समानुपाती परिमेय से, इसको दे देना समीकरण चार, आधारभूत समानुपाती परिमेय से अनुपात क्या बन जाएगा, बराबर बी डी बटा सी डी, बी डी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए, इसको देंगे समीकरण पांच। सिद्ध करने वाले में देखो बी डी बटा सी डी, बी डी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी एल, यहां क्या है ए, इस ए को हटाना है, बताओ ये ए की जगह क्या लाना है हमें, ए की जगह क्या लाना है हमें, कौन से त्रिभुज में है ए सी ई में, ए सी ई में है ना, क्या ए सी ई में देखो समीकरण चार से कोण तीन बराबर क्या है, कोण तीन किसके बराबर है, अगर कोण तीन कोण चार के बराबर तो ए सी ई कौन सा त्रिभुज हो गया, समधी बहु, अगर इसके दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। समीकरण किससे, चार से, कोण तीन बराबर क्या है, कोण है, समीकरण चार से कोण तीन किसके बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए सी ई क्या है, एक क्या है बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये ए किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा, देंगे समीकरण छह, बताओ समीकरण छह में किसका प्रयोग कर दें, किसका, पांच में किसका प्रयोग कर दें, छह, समीकरण पांच में छह का प्रयोग करने पर बी डी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए की जगह क्या रखेंगे, ये में क्या करना था, आगे वाले पर में यदि एक रेखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक
एक सीड्स से। इस प्रकार खींची जाए। कि वह उसके सम्मुख बुझा दो। शेष दोनों बुझाओं के अनुपात में विभाजित करें तो वह रेखा शीर्ष पर बने। कोण का समविभाजन करते हैं। क्या दे रखी है पर में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसके सम्मुख बुझा को, तो हमने शीर्ष ए से बुझा खींच रहे रेखा। शीर्ष ए से कौन सी रेखा खींची हमने, एडी। कौन सी, ये एडी रेखा कोण को समद्विभाजित नहीं कर रही है, केवल सम्मुख भुजा के मध्य जो अनुपात बन रहा है वो अनुपात अन्य दो भुजाएं उनके अनुपात के क्या है, विभाजित करें। हमें क्या दे रखा है, जो बी डी बटा सी डी वाला मान है वो किसके बराबर है, अन्य दो भुजा ए बी बटा ए सी के अनुपात के बराबर, ये तो हमें दे रखा है। तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। शीर्ष पे कौन सा कोण बन रहा है, ए, इसको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, यानी इसके समान दो भाग बताने हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्या। पहले वाली परिमेय में क्या दे रखा था, ये कोण बराबर दे रखे थे, समभुजा वाला अनुपात अन्य दो के बराबर बताना था, अब की बार समभुजा वाला अनुपात अन्य दो भुजा के अनुपात के बराबर दे रखा है और इस कोण के समान दो भागे, ठीक है। तो दिया उसने क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में रेखा एडी, रेखा एडी या क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में रेखा एडी सम्मुख भुजा के मध्य बने अनुपात को शेष
दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात BD बटा CD के मध्य जो अनुपात बना है वो किसके बराबर है? AB बटा AC के बराबर। सिद्ध क्या करना है? तो वो रेखा है उस कोण की क्या होगी? समद्विभाजक होगी। सिद्ध करना है उसमें क्या लिखेंगे? कोण एक बराबर कोण है दो, या AD कोण एक को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। रचना क्या करेंगे? इस DA को बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाना है? इस BA को बढ़ाना है E तक। इस प्रकार बढ़ाना है ताकि जो AC हो किसके बराबर हो जाए? AE के। किसके बराबर हो जाए? इस BA को AE तक बढ़ाना है ताकि AE किसके बराबर बन जाए? AC। और फिर C को किससे मिलाना है? AC। रचना क्या करेंगे? BA को E तक इस प्रकार आगे बढ़ाया ताकि AE किसके बराबर हो? AE बराबर AC व C को E से मिलाया, C को E से मिला है। अब लिखेंगे पहले वाली परमे में AD कोण की समद्विभाजक थी ना, तब हमने रचना क्या की थी? AD के समांतर एक रेखा C खींची जो BA को आगे बढ़ाने पे E पे मिल रही थी। अगर ये रेखा समभुजा को अन्य दो भुजा के अनुपात में विभाजित कर रही है तब रचना क्या करेंगे? BA को E तक इस प्रकार बढ़ाया ताकि AE किसके बराबर हो? AC के बराबर। याद रहेगी ना? अगर किसी कोण की समद्विभाजक करती हुई रेखा खींची जाए उस वाली पर में तो रचना क्या करनी है? एक उस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है जो BA को बढ़ाने पे E पे मिलती है। और अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज समभुजा के मध्य जो अनुपात बन रहा है उस अनुपात को अन्य दो भुजा के अनुपात में विभाजित कर रही है तब उसमें रचना क्या करेंगे? BA को E तक इस प्रकार बढ़ाया ताकि AE किसके बराबर? AC के। और C को E से मिलाया। ठीक है, अब देखिए को चित्रानुसार कोणांकन भी कर देंगे एवं चित्रानुसार कोणांकन किया। ये तो कोण एक है, ये दो है, इस वाले को दे दें तीन और इस वाले को दे दें चार। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? BD बटा CD बराबर AB बटा क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC में BD बटा CD किसके बराबर दे रखा है?
AB बटा AC किसके बराबर दे रखा है? AB बटा AC के देंगे समीकरण एक। कारण क्या लिखेंगे? दिया एवं है, ये AE किसके बराबर है बताओ, AE किसके बराबर है? AC की। इसको देंगे समीकरण दो, इसको देंगे समीकरण दो। कारण क्या लिखेंगे? रचना से। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ये हमने रचना की। समीकरण एक में किसका प्रयोग करेंगे? दो का। समीकरण एक में दो का प्रयोग करने पर BD बटा CD बराबर AB बटा AC के लिए क्या रख देंगे? AE। कौन से त्रिभुज में? BD बटा CD बराबर BA बटा AE बन गया। तो BD बटा CD बराबर BA बटा AB कौन से त्रिभुज में है? BCE में। अगर दो भुजाओं का अनुपात से दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो आधारभुज समानुपाती परमेय के विलोम से कौन कौन सी भुजाएं समांतर होंगी? ये तो ना, अगर समूह भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी कि नहीं? कौन सी परमेय से? आधारभूत समानुपाती परमेय से। इसलिए समानुपाती परमेय से या विलोम से? विलोम से। इसलिए आधारभूत समानुपाती परमेय के विलोम से AD किसके समांतर होगा? AD समांतर CD। इसलिए अगर AD है CE के समांतर तो कोण एक किसके बराबर होगा? कोण तीन के कौन से कोण है बताओ? कौन से कोण है? संगत कोण। कौन से कोण है? संगत कोण। एवं ये कोण एक कोण तीन संगत कोण और ये जेड वाली आकृति बन रही है कि नहीं? समांतर है तो कोण दो किसके बराबर? कोण दो बराबर कोण चार। देंगे समीकरण चार। कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। एवं है AE किसके बराबर है? AE बराबर AC। कहां से? रचना से। इसलिए त्रिभुज ACE क्या है? एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके जरिए दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? कोण तीन बराबर कोण चार। इसको देंगे समीकरण पांच। तो समीकरण तीन चार व पांच। समीकरण तीन चार व पांच एक तीन के बराबर। एक तीन के बराबर, तीन किसके बराबर? चार के। तो कोण एक बराबर कोण तीन बराबर कोण चार है कि नहीं? और चार है दो के बराबर तो ये चारों कोण आपस में क्या बन गए? इसलिए
कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन बराबर कोण चार बराबर। हमें तो कोण एक किसके बराबर बताना था, तो यहां से क्या ले लो, कोण एक किसके बराबर है, इसलिए एडी कोण ए की समद्विभाजक रेखा है। ये मैं क्या करना था, सिद्ध करना था।